एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में आधारशिला संस्थान के द्वारा संचालित बाल भवन में करीब 16 बच्चे रह रहे हैं, रह करके पढ़ रहे हैं। ऐसे में शासन के द्वारा इनकी मान्यता को समाप्त किए जाने के पश्चात अब बच्चों को शासकीय बाल गृहों में भेजा जाना है। इसके लिए बच्चों को बाल कल्याण समिति बुलाया गया था, जहां पर कोरम के अभाव में बच्चों को वापस आधारशिला संस्थान भेज दिया गया है। मालूम हो कि बाल कल्याण समिति के माध्यम से निर्णय लिया जाना था कि बच्चों को किस संस्थान में अब भेजा जाना है जो शासकीय है, क्योंकि बाल भवन की मान्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे हालात में कोरम के पूरा ना होने पर एक बार फिर सभी 16 बच्चों को आधारशिला संस्थान के बाल भवन भेज दिया गया है। इस संबंध में वहां पर मौजूद जिम्मेदारों के द्वारा जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। संस्था की मान्यता शासन द्वारा निरस्त कर दी गई। समिति के आदेश से बच्चों के स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए उनको बुलाया गया। क्या निष्कर्ष निकला सर? कोरम के अभाव में स्थानांतरण का आदेश नहीं हो सका। सर तो कोरम नहीं पहुंच पाए, क्या वजह रही, क्यों नहीं पहुंच पाए? जब आपने बच्चों को बुलाया था तो कोरम पूरा क्यों नहीं आ पाया? पहले से जानकारी तो समिति ने ही दी थी कि आप आइए, और वही लोग नदारद रहे। समिति को पूछिए ना। अच्छा, और सर इनकी क्या व्यवस्था है बच्चों की रखने की? अपन उनको अन्यत्र कहीं ना कहीं पास के जिलों में दूसरी संस्था में कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट करें। शासन ने मान्यता निरस्त कर दी है, बच्चों को अन्यत्र भेजा जाए। अभी सर बच्चे शासन प्रशासन ने की है शिफ्ट करने की? अभी शासन प्रशासन की तैयारी तो पूरी रहती है हमेशा, लेकिन जो निर्देश है, भेजने के जो आदेश है, वो वैधानिक आदेश पारित होंगे, भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। अभी बच्चे कहाँ निवास रहते हैं? अभी कहाँ रह रहे हैं आदेश के बाद से? कौन से आदेश? बच्चे अभी बच्चे मान्यता निरस्त समिति बताएगी आपको। अभी आदेश नहीं हुआ, अभी आप भी मौजूद थे उसमें। अभी बच्चों को वापस उसी संस्थान में भेज दिए गए हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं। फोरम पूरा नहीं हुआ। हाँ, एक आज बाल कल्याण समिति में केवल 2 सदस्य मौजूद हैं। ले लें एक हम और दूसरे हमारे मुकेश दुबे अध्यक्ष महोदय, और एक केशवपाड़ा अध्यक्ष महोदय हमारी, और दीपमाला सैनी सदस्य, वो किन्हीं कारणों में आज अनुपस्थित हैं, इस कारण कार्यवाही नहीं हो सकी है। बच्चों को यथावत वापस आधारशिला संस्थान में भेज दिया गया। क्या कह के बुलाया गया था बच्चों को, किस लिए? स्थानांतरण के लिए। मध्य प्रदेश शासन ने उनकी मान्यता निरस्त कर दी है, इसलिए उनको स्थानांतरित करना था उचित बाल गृह और बालिका गृह में। तो आपकी समिति ने जब आमंत्रित किया तो यहाँ आपका बोर्ड पूरा नहीं था? हाँ, वो सब बाहर, दो सदस्य, एक अध्यक्ष और एक सदस्य बाहर। बाहर तो क्या बच्चों की व्यवस्था की गई है, मतलब कंप्लीट है आप लोगों? यथावत वहाँ पे रख दिया गया है, आगामी कार्य दिवस में उनको बुलाया गया है। जैसे ही हमारा कोरम पूरा होता है, बच्चों को सुरक्षित कोई ना कोई अच्छे बालक ग्रह बालिका ग्रह में स्थानांतरित किया जाए। कितने बच्चे हैं जहाँ आज बुलाए गए थे? कुल 16 बच्चे हैं। उनकी व्यवस्था व्यवस्था नहीं हो पाई सरकारी यहाँ पर? अब चूँकि कोरम पूरा नहीं है, कानूनी व्यवधान है, कम से कम तीन लोग उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए, तब जाके हम बच्चों को स्थानांतरित कर सकते हैं। ये तो हो गए आपके सदस्यों की बात, आप लोगों के पास व्यवस्था हो चुकी है बाहर बच्चों को शिफ्ट करने की? भाई अब उसमें तो सारे संस्थान अलग अलग जिलों में हैं, यहाँ पे व्यवस्था होगी, वहाँ उनको भेजा जाएगा। अभी क्या कुछ है तैयारी? अगर हाँ, तैयारी है, बिल्कुल है, भेज देंगे। हाँ, फोरम पूरा होगा, हम बिल्कुल भेजेंगे। तो वहाँ है व्यवस्था? हाँ, बिल्कुल व्यवस्था है। अभी बच्चे कहाँ निवास कर रहे हैं? आधारशिला में ही वापस भेजेंगे, अभी उनकी निगरानी में, उनकी व्यवस्था में रहेगी।